नमस्कार, स्वागत है आपका। जी बिहार झारखंड देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ पलक प्रकाश। तो आज का दिन बेहद खास, बेहद अहम, क्योंकि आज 5 राज्यों के नतीजे आएंगे। 8 बजे से ये मतगणना शुरू होगी। यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर के नतीजे आ जाएंगे। आपको बता दें, यूपी की 403 सीट, उत्तराखंड की 70 सीट पर आज मतगणना होगी। वहीं मणिपुर की 60 सीट, गोवा की 40 सीटों पर आज मतगणना होनी है। सभी मतगणना केंद्र पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर लिए गए हैं। 5 राज्यों में मतगणना के लिए 50,000 अधिकारी तैनात किए गए हैं और इसके अलावा 5 राज्यों में 650 से ज्यादा मतगणना पर्यवेक्षक भी तैनात किए गए हैं। तो बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आपके लिए। और आज का दिन बेहद खास है क्योंकि आज 5 राज्यों के नतीजे आने वाले हैं। हालांकि जो मतगणना है वो सुबह 8 बजे से शुरू होगी। तो आपको बता दें, यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर के आज नतीजे आने वाले हैं, जिसमें यूपी की 403 सबसे ज्यादा सीटों पर आज मतगणना होनी है। वहीं उत्तराखंड की यदि बात कर लें तो उत्तराखंड की 70 सीटों पर आज मतगणना होगी। वहीं मणिपुर में 60, गोवा में 40 सीटों पर आज मतगणना होगी। और उसको देखते हुए हर एक बूथ पर, हर एक केंद्र पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं, सुरक्षा बल तैनात है। 5 राज्यों में मतगणना के लिए 50,000 अधिकारियों को तैनात किया गया है। वहीं 650 से ज्यादा मतगणना पर्यवेक्षकों को तैनात किया गया है। तो आज शाम तक नतीजे आ जाएंगे। 5 राज्यों में आज वोटों की गिनती होना है। यूपी, पंजाब में भी आज काउंटिंग होनी है, मणिपुर, उत्तराखंड में भी आज काउंटिंग होनी है। और मतगणना को लेकर हर एक केंद्र पर सुरक्षा पुख्ता है, सुरक्षा की तैयारियां पुख्ता है। तमाम पुलिस फोर्स तैनात है, तमाम अधिकारी तैनात हैं और 50,000 से ज्यादा अधिकारी इसमें लगाए गए हैं। और कुल 5 राज्यों में मिलाकर 650 से ज्यादा मतगणना पर्यवेक्षकों को तैनात किया गया है। तो आज शाम तक नतीजे आ जाएंगे और हर किसी की निगाहें इन 5 राज्यों में होने वाले वोटों की गिनती पर टिकी रहेंगी। आज सुबह से ही जो है 8 बजे से मतगणना शुरू होगी और उसके बाद से जो है वो हर एक की निगाह है आने वाले रिजल्ट पर, आने वाले नतीजों पर। देखिए, यूपी, पंजाब में, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा में आज काउंटिंग होनी और साफ तौर पर इसका कितना असर बिहार पर पड़ता है, कितना असर बिहार पर देखने को मिलेगा, ये तमाम अपडेट, तमाम खबरें आपको भी दिखाएंगे। लगातार दिन भर जी बिहार झारखंड पर लगातार कवरेज जारी रहेगी। हर एक काउंटिंग, हर एक गिनती आप तक पहुंचाएंगे मतगणना को लेकर। और हालांकि 8 बजे से जो काउंटिंग है वो शुरू होनी है और 5 राज्यों में मतगणना के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी, मतगणना शुरू हो जाएगी 8 बजे से।